Hey guys, welcome back to my new video. My name is Dimsingh Abang Sama. You're watching Abzo Ofi YouTube channel. आज भी vlog video नहीं है, आज भी ये एक application के बारे में हम लोगों को बताना चाहता हूँ. ये है HeatPro Photo Enhancer. तो ये क्या काम करता है, ये आपका फोटो जो ब्लर होता है उसको अनब्लर करने के लिए एंड जो भी फोटो आपका जो ब्यूटी आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप कर सकता है एंड जो भी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है इसको भी आप कलरिंग में कन्वर्ट कर सकता है एंड जो फोटो है उसको आप एनिमेशन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड जो आपका फोटो है उसको आप कार्टून जैसा बनाना चाहते हैं वो भी कर सकता है. बहुत सारा इधर में फीचर्स है. आपकी फोटो में बीच बैकग्राउंड में कोई है उसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं आसानी से. बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. आज भी व्लॉग वीडियो नहीं है, व्लॉग वीडियो जरूर जल्दी आएगा. ठीक है, तो गाइस ये है मेरा फोन वन प्लस 70 जो मैंने एंड्रॉयड में डाउनलोड करके रख चुका है एंड ये एंड्रॉयड एंड आईफोन के लिए अवेलेबल है. ठीक है, दोनों में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर एंड प्ले स्टोर से. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए. ठीक है, एंड ये मेरा आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन के लिए भी ये अवेलेबल है. ठीक है, AI फोटो इनहेंसर इट पाओ. ठीक है, तो इधर में बहुत सारा है, आप लोग ये भी आईफोन में भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यह है HeatPro फोटो इनहेंसर, बट इधर में फोटो इनहेंसर ही लिखा हुआ है. तो आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया. ठीक है, मैं इसको अभी ओपन करता हूँ. ओपन करता हूँ तो आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, तो गाइस इसमें आप लोग एनहेंस कर सकता है. ट्राई नाउ में क्लिक करेगा तो इधर में आप लोग जो भी फोटो ब्लर्स है इसको आप लोग इनहेंस कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे तो भैया बिफोर एंड आफ्टर आप लोग ये फोटो देख सकते हैं, बहुत क्लियर है. ठीक है, इधर में इनहेंस कर सकता है, आप लोग कार्टूनाइज भी कर सकता है, आपका फोटो को कार्टून बना सकता है एंड ब्यूटी कर सकता है. आपका पिंपल्स वगैरह है आपके चेहरा में तो भी आपका फोटो बहुत अच्छा हो गया. ठीक है, एंड ये आप लोग रिमूव ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, आपके पीछे को कुछ है तो आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं एंड आप लोग कलराइज भी कर सकते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट को आप लोग कलर भी कर सकते हैं. एनिमेशन आप लोग ये एनिमेट भी कर सकते हैं. आप ये फोटो है बट ये हिल सकता है, ऐसे भी आप लोग करवा सकते हैं. ठीक है, अभी आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ. सबसे पहले हम नीचे से जाएगा. ठीक है, नीचे आप लोग एनिमेट में देख रहे हैं एनिमेट. आप लोग एनिमेट में क्लिक करेगा, एनिमेट में क्लिक करेगा जो भी फोटो आप लोग इधर में है आप लोग ये चूज करो. ठीक है, अभी मैं चूज करने वाला हूँ ये वाला फोटो एंड इसको मैं अभी हिला दूंगा. ठीक है, मतलब ये मूव करेगा. ठीक है, अभी इसको क्लिक करेगा, क्लिक करने का मतलब एनिमेट फेस, एनिमेट फेस में मैं क्लिक करूंगा. ये टाइम लेगा. ठीक है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये हिलना शुरू हो जाएगा. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फोटो है. तो ये फोटो अभी मेरा फेस अभी हिल रहा है. ठीक है, तो आपको ये वीडियो आसे वीडियो आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकता है. आ से GIF सेव करना चाहता है तो आप सेव कर सकते हैं. ठीक है, ये फोटो है बट ये हिल रहा है, अभी फेस मूव होना शुरू हो चुका है. तो ऐसा है, आपको ये सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं. सेव में क्लिक करो, ये आपका सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में. ठीक है, तो हम अभी होम में चलते हैं एंड इसके बाद आप लोग ये ऑब्जेक्ट रिमूव ऑब्जेक्ट आप लोग ये रिमूव ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, हम ये क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद हम लोग ये वाला फोटो सेलेक्ट करेगा, ये फोटो सेलेक्ट करेगा एंड आप लोग जो भी आपके फोटो में है. ठीक है, आप चूज करो फोटो. तो मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया है. तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये अभी बैक में क्लिक करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं ये बोतल है ना. तो उसको मैं अब रिमूव करने वाला हूँ. इसको मैं जूम करूँगा, मैंने जूम कर दिया. उसके बाद मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा. ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए इसकी बैकग्राउंड में. ठीक है, तो उसको मैंने क्लिक कर दिया, मैं जूम आउट करूँगा अभी. इसको मैं अभी मैंने सेलेक्ट कर दिया है उसको. उसके बाद मैं इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ. रिमूव सेलेक्टेड, मैं क्लिक कर दिया रिमूव में, तो अभी ये ऑब्जेक्ट रिमूव कर देगा. तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रिमूव कर दिया है, बैकग्राउंड में अभी नहीं है कुछ भी. ठीक है, जो भी बोतल था वो रिमूव कर दिया गया है एंड इधर में बहुत सारा फिल्टर्स भी है, आप लोग ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत सारा फिल्टर्स वगैरह भी है, इधर में बहुत सारा फिल्टर्स दिया हुआ है. ये सब आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड आप जो भी अभी मैं यूज़ नहीं करना चाहता तो नेक्स्ट में क्लिक करूँगा. क्लिक करेगा तो इधर में दिखाई देगा कि ये बिफोर एंड ये आफ्टर एंड ये बिफोर एंड ये आफ्टर. ठीक है, आपको ये शेप करना चाहता है तो आप इसमें क्लिक करके आप लोग आराम से शेप कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी होम में जाता है. उसके बाद हम लोग ये कार्टूनाइज, ठीक है, ये इधर में आ जाता है. हम अपने फोटो को कार्टून जैसा बना देगा. तो अभी हम लोग ये जो भी आप सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ये L3GO या साइबर, ठीक है, जो भी आप इसकी जैसा बनाना चाहते हैं तो जो भी सेलेक्ट करके आप लोग बना लो. ठीक है, तो मैं सबसे नीचे वाला जाऊंगा एंड मैं सेलेक्ट करूंगा ये वाला. ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूँ.
ठीक है, ये ऐसे फोटो को मैं कार्टून बनाने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखा था। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड जो भी मैंने बैकग्राउंड इमेज किया है उसको मैं अभी प्रो कार्टूनाइज में क्लिक करूँगा। अभी ये मेरा फोटो को कार्टून बना देगा। अभी देखो तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, और भी है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये शेप करना चाहते हैं तो आप शेप कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा है इधर में। अरे इधर में ये चाइनीज जैसा है उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके आप लोग जो भी फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करो। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँ अपना फोटो, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब ये कैसे बनाता है मेरा फोटो को। ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट करके लिया था आप लोग देख सकते हैं उसको ये चाइनीज में, चाइनीज लड़की में कन्वर्ट कर दिया मेरे को। ठीक है, चाइनीज लड़की में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी ऐसा ही बना दिया सेम टाइप। ठीक है गाइस, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं जो इधर में बस ये लड़की के लिए है। ठीक है, मैं आप लोग ये लड़का के लिए, लड़का वाला आप लोग चूज कर देने, लड़की के लिए तो लड़की मेरे को लड़की बना दिया। तो गाइस आप लोग कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हल्क टाइप, हल्क मैं क्लिक करूँगा, हल्क मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा एंड इसको क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे को हल्क जैसा बना दिया, मतलब ये हल्क बना दिया मेरे को। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ये बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप आप लोग ये कार्टूनाइज में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी है जो भी आप बनाना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके बना दो। ठीक है, खेत जो भी आपका जो पैथ है उसको आप कार्टून में जो भी फोटो को बना सकते हैं कार्टून में। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कहा जाता है ये ब्यूटी में। ठीक है, ये ब्यूटी में हम क्लिक करेगा, ब्यूटी में क्लिक कर दिया उसके बाद हम लोग इधर में आ जाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं तो मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप लोग ये ब्यूटी में क्लिक करो, ब्यूटी में क्लिक करेगा तो आप लोग ये देख सकते हैं ये बिफोर एनी आफ्टर, एनी बिफोर एनी आफ्टर। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके चेहरा में बहुत सारा पिंपल्स है। ठीक है, ये पिंपल्स एंड डार्क। अभी इसको ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग ये ऐसे जो भी पिंपल्स है उसको आप ऐसे सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप शेप करना चाहते हो शेप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एंड अभी ये कलर रेस में आ जाता है। हम लोग ये इधर में कलर रेस में क्लिक करेगा तो अभी हम इधर में क्लिक करेगा आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जो आपका पुराना फोटो। तो अभी इसको कलर में क्लिक करेगा तो आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये बिफोर एंड आफ्टर जो भी ब्लैक एंड व्हाइट को भी ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये सिंपल। तो अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड इसको कलर ऐसे बना देगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी ऊपर वाला में हम जाता है इनहेंस, इनहेंस में हम क्लिक करेगा तो आपका जो भी फोटो ब्लर वाला फोटो है उसको आप लोग सेलेक्ट करो। मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये ब्लर है। ठीक है, तो अभी ये ब्लर फोटो है उसको मैं अभी क्लीन करने वाला हूँ, एकदम क्लियर बनाने वाला हूँ। तो इसको इनहेंस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्लर फोटो है, इसको आप ऐसे एकदम क्लीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लर फोटो है जो आपका, आपने फोटो किसी ने खींचा है तो आपको ब्लर होगा, तो ये ब्लर वाला फोटो एकदम क्लीन बना सकते हैं इसे, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो गाइस आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एनिमेशन वाला वीडियो में और आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कौन सा वाला मैं फोटो सेलेक्ट करो। देखो ये वाला फोटो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त का है, अभी इसको मैं एनिमेट करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकता है मेरा दोस्त का अभी फेस अभी मूव कर रहा है, तो ये मेरा दोस्त का फोटो है तो मैंने यूज कर लिया। एंड गाइस आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग ये फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये वीकली सब्सक्रिप्शन आप लोग दे सकते हैं 490, ओनली 490 रुपीज़। ठीक है, एंड ये आप लोग दे सकते हैं एक साल के लिए 3900 है, वन ईयर के लिए ये सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सकते हैं। ठीक है ना, अभी भी आप लोग फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं ये एडवर्टाइज देखे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ले है तो वीडियो लाइक करना मत बोला, एंड एप्लीकेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एंड ये एंड्रॉयड एंड ये आईफोन में भी चलता है। ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है, एंड जाके आप लोग डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। पहले बार इस चैनल में आया तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना मत बोलना।